हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के फोर्थ चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 के सारे ही क्वेश्चंस लॉ 3, 4, 5 पर बेस्ड हैं। इन सारे लॉज को हमने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कवर कर लिया है और साथ ही हमने वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। By what number should we multiply 2 की पावर माइनस 5 सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1। क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर जो नंबर है 2 की पावर माइनस 5, हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इनका जो प्रोडक्ट आ जाए, यानी जो भी नंबर जिसको हम 2 की पावर माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाए 2 की पावर माइनस 1। ठीक, तो हमें उस नंबर को फाइंड करना है। तो लेट अस सपोज कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है x, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट कि जब इस x को हम 2 की पावर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 2 की पावर माइनस 1, है ना। यही गिवन है क्वेश्चन में कि इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है 2 की पावर माइनस 5, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यानी जब ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो उस वाले टर्म से डिवाइड होगा। सो x विल बी इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1। अब ये डिवीजन में आ जाएगा तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक लॉ अप्लाई हो रहा है इन दोनों ही टर्म्स का, जिनका डिवीजन हो रहा है उनका बेस सेम है। तो जब ऐसे टर्म्स का बेस सेम होता है तो हम क्या करते थे, दोनों ही टर्म्स के एक्सपोनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो ऊपर नंबर होता है माइनस 1, यानी ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाला एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस इस 5 का अपना साइन है माइनस का, ये माइनस आया है क्योंकि दोनों एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, और ये माइनस साइन इस 5 का खुद का माइनस साइन है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर में क्या हो जाएगा, माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, इंटीजर्स का जब हम सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं तो रूल पढ़ा है ना, दिस इज प्लस 5। सो दिस विल बी 2 की पावर माइनस 1 प्लस 5, दैट इज़ क्या हो जाएगा, 4, है ना। एक जब हमारा एक नंबर सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ होता है, एक पॉजिटिव के साइन के साथ होता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसका साइन कौन सा होता है, जो भी इन दोनों नंबर्स में से बड़ा है उसका साइन इसका साइन हो जाता है। सो दिस इज प्लस 4, क्लियर है। तो ये 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 16। सो दिस इज आर आंसर। सो दैट मीन्स 16 वो नंबर है जिससे हम जब 2 की पावर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 की पावर माइनस 1। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बाय व्हाट नंबर शुड माइनस 1 बाई 5 की पावर माइनस 1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू 1 बाई 5 की पावर माइनस 3। यहाँ पर भी जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। हमें बताना है कि हम किस नंबर को माइनस 1 बाई 5 की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें ताकि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आ जाए 1 बाई 5 की पावर माइनस 3। तो फिर से हम उस नंबर को x मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो यहाँ पे माइनस 1 बाई 5 की पावर माइनस 1 को हमें x से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट आएगा 1 बाई 5 की पावर 3। अब इस x को हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखो ये नंबर जो है इसका पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसे हम इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि इसकी साइन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। सो दिस विल बी पॉजिटिव साइन एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 5 की पावर 3। ठीक, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव साइन है यानी इसका भी रेसिप्रोकल लिखेंगे ताकि इसकी भी साइन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। सो नाउ दिस इज माइनस 5 इंटू एक्स, ठीक, और इसकी पावर है 1 एंड दिस विल बी 5 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से x कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो टर्म है इस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, दिस विल बी 125 और ये जो माइनस 5 है ये जाकर इस साइड डिवाइड होगा, ये 125 5 से 25 टाइम्स कट हो जाएगा और इस 5 में नेगेटिव साइन है इसलिए जो हमारा आंसर आएगा ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 25, दैट मीन्स जब हम माइनस 25 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 बाई 5 की पावर माइनस 3। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज बाय व्हाट नंबर शुड 24 टू द पावर माइनस 1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन मे बी इक्वल टू 4 की पावर माइनस 1।
जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया, क्वेश्चन नंबर 4th भी वैसा ही है, बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस की जगह डिवीजन का केस दिया हुआ है। यहाँ पर हमें वो नंबर फाइंड करना है जिससे हम जब इस नंबर 24 की पावर -1 को डिवाइड करें तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाए 4 की पावर -1। ठीक, सो लेट अस सपोज दैट द नंबर बी एक्स। अब इस एक्स से हमें 24 की पावर -1 को डिवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 24 की पावर -1 को हम इस एक्स से डिवाइड करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा 4 की पावर -1। ठीक, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये देखो ये जो नंबर है इसकी पावर है -1, इसकी भी पावर है -1, यानी दोनों ही टर्म्स का एक्सपोनेंट नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो हम इसके एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाएंगे, और एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी टर्म गिवन है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो सबसे पहले इस टर्म का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/24, क्योंकि पावर 1 है एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय एक्स। सो दिस विल बी, अगेन इसका भी रेसिप्रोकल लिखो, दिस विल बी 1/4। तो ये जो टर्म है इस टर्म के साथ डिवीजन में है। ठीक, तो एक्स को भी हम देखो पहले तो इस डिवीजन को हटाएंगे ना, तो डिवीजन को हटाते हैं जब हम, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन के साथ साइन के साथ इस टर्म का भी रेसिप्रोकल लिखाता है, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब इस एक्स को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये एक्स इस साइड चला जाएगा, 4 इस साइड चला जाएगा, सो एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इधर जा रहा है ना, तो 4/24 है ना, 4/24, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/6। सो दिस इज आर फाइनल आंसर, यानी जब हम 24 की पावर -1 को 1/6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 4 की पावर -1। क्लियर है ये क्वेश्चन, चलो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 5th इज, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 की पावर 3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन मे बी इक्वल टू 9/4 की पावर -2। यहाँ पर भी जो कंडीशंस गिवन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4th की तरह ही है। इस नंबर को हमें किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे हमें हमारा क्वेश्चन यानी जो रिजल्ट आता है डिविजन के बाद वो मिल जाए 9/4 की पावर -2। ठीक है, तो लेट द नंबर बी एक्स, जैसा हम सारे क्वेश्चंस में एज्यूम करते आए हैं, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें -2/3 की पावर 3 को इस एक्स से डिवाइड करना है और हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 9/4 की पावर -2। तो देखो यहाँ तो इस टर्म का पावर है पॉजिटिव, तो इसे तो हमें रेसिप्रोकल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे बस सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम -2 को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा -8/3 की पावर 3, 27। अब ये जो नेगेटिव साइन है वो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब नेगेटिव साइन को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव साइन रिजल्ट में आता है। अब ये जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/x, है ना, ये ऐसे ही डिवाइड करते हैं ना फ्रैक्शंस का, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज करते हैं और जो भी सेकेंड पोजिशन पर टर्म होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इसकी पावर है नेगेटिव -2, यानी इसे हमें रेसिप्रोकल में लिखना होगा ताकि वो जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव में उसे हम पॉजिटिव बना सकें। सो दिस विल बी 4/9 की पावर 2। अगेन हमें x को फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो ये x उस साइड जाएगा और ये जो पूरा टर्म है वो इक्वल टू किस साइड आ जाएगा, तो पहले तो हम इसे 2 times मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी पावर है 2, तो 16/81 हो जाएगा ये, है ना, 4 की पावर 2 16, 9 की पावर 81। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो x विल बी इक्वल टू -8 × 81 अपॉन क्या हो जाएगा ये, 16 × 27। ठीक, या फिर 27 × 16, 27 यहाँ है तो इसे यहीं लिख लेते हैं, 8 और 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 times, 81 जो है वो 27 की टेबल में 3 times आता है। ठीक है, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं हम, दैट विल बी इक्वल टू 81। सो दिस इज -3/2, सो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। क्लियर है क्वेश्चन। तो ये थे हमारे वर्कशीट 5 के क्वेश्चन नंबर 2 to 5, जिसमें हमने सारे सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी वर्कशीट के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।